देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गौरी गुप्ता जी ने। तो सबसे पहले गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गौरी जी बताती हैं कि रोजाना की तरह मैं उस दिन भी जल्दी ही सो गई थी, क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती थी तो मुझे जल्दी उठना था। मगर सुबह के यही कोई 3:30 बजे ही मेरी आंख खुल गई, पर फिर भी मैं कुछ देर तक तो बिस्तर में ही पड़ी रही, क्योंकि अंधेरा अभी कुछ ज्यादा ही था। तो मैं सुबह होने का वेट कर रही थी। अब लेटे लेटे मुझे बेचैनी सी होने लगी थी और मजबूरन मुझे बिस्तर से उठना ही पड़ा। फ्रेश होने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो सुबह के 4:20 हो रहे थे। लिहाजन मैंने अपनी साइकिल ली और मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल पड़ी। मैं रोजाना की तरह अपनी साइकिल लेकर उसी रास्ते पर निकली थी जिस रास्ते पर हमेशा जाती, पर पता नहीं उस रोज कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। दूर दूर तक कोई और मॉर्निंग वॉक करता हुआ नजर नहीं आया, जबकि इस समय तो इक्का दुक्का लोग दिख ही जाया करते थे। खैर, मैं बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ी और साइकिल चलाने में मस्त हो गई। अब मैं वहीं के एक किले के पास से गुजर रही थी। थकान होने के कारण मैंने अपनी साइकिल रोकी और सुस्ताने लगी। मैंने आसपास देखा तो आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मानो मन में किसी बात को लेकर बहम हो। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे पीछे से सर सराने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही मेरा सर भारी हो गया और मेरे शरीर के रोंगटे फूलने लगे थे। पीछे पलटी तो मैंने पाया कि वो आवाज उस किले के भीतर से आ रही है। मैं वहीं खड़े उस किले के दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि तभी एक झटके से वो दरवाजा खुला और उसमें से तेज निकलती हवा से धुंधी धुंध छा गई। मैं अपने आप को संभाल ही रही थी कि मुझे दरवाजे के पास एक भयानक चेहरा दिखा। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं घबराते हुए साइकिल छोड़कर घर की ओर भागी। घर जाते ही घर वालों ने मुझे संभालते हुए पूछा तो मैंने सारी बात उन्हें बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है वहां पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कोई धोखा नहीं था और ना ही कोई मेरा बहम। पर वो क्या था, ये बात मेरे मन में आज तक राज बनी हुई है। पर हाँ, अभी तक सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।